एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत दिनों बाद एक वीडियो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, क्योंकि हम लोग घर पे शिफ्ट कर रहे हैं नए घर पे, तो इसीलिए बहुत सारी चल रही है सामान यहाँ हुआ। बैकग्राउंड भी लगाने का मुझे समय नहीं मिला, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं कर पा रही हूँ। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, लेकिन मुझे लगा कि एक वीडियो तो कर ही लेते हैं यार, तो इसीलिए मैं आज वीडियो कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू, जो कि है लॉरियल की रिवाइटलाइट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस की रिव्यू। आप देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके की है। इसका मैंने बहुत सारा रिव्यू देखा था मेरे यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि चलो एक मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन इसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन 250 रुपीज का एक था ये वाला पैकेजिंग जो है, तो इसी को मैंने ले लिया है। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये मेरी खुद की ओपिनियन है। खुद की पैसों से मैंने ये खरीदा है। ज़्यादा तो मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने ये छोटा वाला खरीदा है। बहुत बड़ा इंट्रो हो गया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है लॉरियल पैरिस की रिवाइटल लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस की पैकेजिंग। आप देख सकते हो इस तरीके की छोटू सी, ये सबसे छोटी पैकेट है, छोटू सी प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बॉटल में आती है। बहुत ही सुंदर इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही छोटू है, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है। इसकी प्राइस है 250 रुपीज़। इसमें आपको क्वान्टिटी मिलती है 22 ml, और आप इसको 3 साल तक यूज़ कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि ये है रेडियंस प्लस स्मूदनिंग देता है आपकी स्किन को। इसको आपको डे एंड नाइट क्लींजिंग के बाद मॉइस्चराइजर से पहले अप्लाई करना पड़ता है 3 से 4 ड्रॉप्स। इससे आपके फेस पे ग्लो ऐड होता है। कैप खोलने से ये कुछ इस तरीके की दिखती है, ड्रॉप ड्रॉप करके निकलती है। इसकी टेक्सचर जो है आप देख पा रहे हो, प्योर वाटर लाइक टेक्सचर है। एक भीनी भीनी सी खुशबू है इसमें, और प्योर वाटर लाइक टेक्सचर है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होता। वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब भी हो रहा है। अब मैंने मेरे क्लीन फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैं ऐसे डैप डैप मोशन में इसको अप्लाई करती हूँ। इससे क्या होता है, आपकी जो क्रीम सीरम जो भी हो वो अच्छे तरीके से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होता है और आपकी स्किन में पेनिट्रेट होता है। मैं बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, आई नो, प्लीज मुझे माफ कर देना यार, कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ। तो ये जो लॉरियल की क्रिस्टल माइक्रो एसेंस है, ये मैंने करीब 2 हफ्ते से मैं यूज कर रही हूँ इसको, तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसकी जो टेक्सचर है प्योर वाटरी टेक्सचर है। आप जब आपके स्किन पे इसको डैप करोगे तो ये आसानी से आपकी स्किन में जो है अब्सॉर्ब हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और जिन लोगों की ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, गर्मी आ रही है, तो ये तो बेस्ट मॉइस्चराइजर रहेगा। आई थिंक इट इज उनके लिए वरदान है, जैसे मेरे लिए है। तो ये वाला जो मॉइस्चर है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो एसेंस है मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। कोई भी, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग करता आपके स्किन को। ड्राई स्किन वाले पीपल भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता स्किन को। एज इट इज आपकी स्किन जैसी है वैसी ही रखती है। एक मॉइस्चराइजेशन, एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, जो हमारी स्किन को जरूरत होती है। अब देख पा रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं लगाया मेरे फेस पे, विदाउट एनी मेकअप मैं ये वीडियो कर रही हूँ। अब देख पा रहे हो मेरे स्किन में बहुत ज्यादा ब्रेकआउट हो रहे हैं, एक्ने पिंपल्स के मार्क्स भी है मेरे फेस पे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे कि क्या मैं यूज करूँ, मेरे स्किन के टेक्सचर को क्या सुधार दे यार, तो इसलिए मैंने इसको खरीदा। और ये सच में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जिस दिन से आप 2 दिन इसको यूज करके ही आप इसका रिजल्ट जो है आप देख पाओगे, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट प्लम्पी फील करता है आपका फेस, बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी नहीं लगता, ड्राई नहीं करता आपकी स्किन को, वेल हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, आई सीरियसली डोंट नो, लेकिन मुझे जो फर्क दिखा है मैं उसी के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ कि स्किन के टेक्सचर में इम्प्रूव आता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, थोड़ा ग्लो भी ऐड करता है, लिटिल बिट, ज्यादा तो नहीं होता है, लिटिल बिट ग्लो भी ऐड करता है, और आपकी स्किन को वेल हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज करता है। गर्मियों में मैं इसके अलावा कुछ नहीं यूज करने वाली हूँ
अभी से मैंने तय कर लिया है ये खत्म होगा तो मैं दूसरी परचेस करने वाली हूँ। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं रखेगा और आपकी स्किन में जो भी स्वेटिंग होता है मॉइस्चराइजर की वजह से वो भी नहीं होगा। तो मुझे तो ये जो एसेंस है काफी अच्छा लगा है, आप भी एक बार इस सीरम को ट्राई करके देख सकते हो, मुझे तो काफी अच्छा लगा। इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाने को बोलते हैं, लेकिन अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाते हो आई थिंक ये काफी हद तक अच्छा मॉइस्चराइजर है। सो गाइज ये थी मेरी आज की छोटी मोटी सी रिव्यू वीडियो, सॉरी फॉर बैकग्राउंड एंड नॉइज, फिर से मैं बोल रही हूँ। सो बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और कैसी लगी आज आपको ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।